हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर सोशल साइंस। हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया बेटे, और अब आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका एक्सप्लेनेशन के लिंक डाल दूंगी आप लोगों के लिए। नाउ स्टार्टिंग विद दिस लेसन नंबर वन, आप देखिए इसमें फर्स्ट इससे पेज से कुछ नहीं है, चैप्टर आपके लिए हाईलाइटेड है और आप मेरे चैप्टर का को व्यू कर लीजिएगा। जो उसका एक्सप्लेनेशन है उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में आपको इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। पॉलिटिकल साइंस में स्टूडेंट्स, बस एक बात मैं कहना चाहूंगी दैट इन पॉलिटिकल साइंस यू नीड टू नो दैट व्हाट एक्चुअली यू हैव टू डू। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आ जाती है बच्चों को कि भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो नाउ ये सब आपको केवल समझने के लिए है ये चैप्टर। एक्चुअली में जो मैंने देखे लिखा भी हुआ है इसमें, रीड द मार्क पोर्शन ओनली। और ये सिंपल डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूलर्स आर इलेक्टेड, ये सफिशियंट नहीं है डेमोक्रेसी की। तो अब इस पेज में से भी आप देखिए, नाउ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आप देखिए, इसमें मतलब सिंपल डेफिनेशन इनफ नहीं है। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ ये दैट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, नथिंग फ्रॉम दिस, ये सिंपल डेफिनेशन है। और डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ये स्टार्टिंग पॉइंट जरूर है। इसमें आप चाइल्ड और इसके एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ सकते हैं, पर ये सिंपल डेफिनेशन जो है वो डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब करने के लिए ये काफी नहीं है। अब हम आगे बढ़ाते हैं, तो फीचर्स ये देखिए, इसमें आपको हर एक फीचर के साथ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो मेरा ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों के से कि जो जो फीचर्स हैं उसके साथ आप एग्जाम्पल्स को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और फिर उसको अपनी लैंग्वेज में आप प्रोड्यूस कर सके। तो मेजर डिसीजंस ये फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, देखिए आपको ऐसा नहीं आएगा कि मेंशन द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर मेंशन करने को आता है, सपोज ऐसा एक क्वेश्चन कोई आता है, तो आप फीचर्स को आप इम्पोर्टेंट उसमें लिख दीजिएगा। एंड आफ्टर दैट आप एग्जाम्पल, जैसे आपने ये जनरल परिवेश में शरद जी का एग्जाम्पल को शॉर्ट करके दे दिया। अब आप देखिए इसके बाद आपने ये मतलब पूरा ये देखिए ये एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि आप इतने शॉर्ट टाइम में अगर सारे फीचर्स लिखने पड़े तो एग्जाम्पल को आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, टाइम ही नहीं होगा। तो आप इसको अपने आप शॉर्ट कर लीजिएगा, पर ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये पढ़ लीजिएगा। तो फर्स्ट फीचर ये है दैट इन डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। सेकेंड फीचर इसमें देखिए चाइना का एग्जाम्पल दिया हुआ है और मैक्सिको का। आप एग्जाम्पल मैक्सिको की पीआरआई पार्टी कौन सी है, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए आप ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिए और समझ के लर्न करिए। थर्ड फीचर जिसमें 1 पर्सन 1 वोट, इसमें सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है, एस्टोनिया का, फिजी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। देन आफ्टर दैट कम्स फोर्थ फीचर, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट, इसमें जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये आप देखिए जानू पी एफ पार्टी, ये जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको। तो ये तो हो गई समरी डेफिनेशन। अब मैं रिपीट कर रही हूँ, हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर फीचर आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए, तो आपको केवल फीचर लर्न करने से नहीं होगा, आप हर एक फीचर के साथ एग्जाम्पल जो हैं उसकी स्टोरी फॉर्म में समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, विच एवर वे सूट्स यू। एग्जाम्पल को आप जरूर है कि आप अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, पर पॉलिटिकल साइंस में मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो फीचर्स हैं उसको आप एग्जैक्टली बुकिश लैंग्वेज में लिखिएगा टू स्कोर 100% मार्क्स। ये आई होप कि मैं क्लियर हूँ आप लोगों को। नाउ व्हाई डेमोक्रेसी, ये डिस्कशन है, इसमें से कुछ नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अगेंस्ट डेमोक्रेसी के ये देखिए लिस्टेड आर्ग्यूमेंट्स हैं, नो प्रॉब्लम आपको लर्न हो जाएंगे। अब आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, चाइना के फेमाइन से ये इंट्रोड्यूस किया गया है, एग्जाम्पल को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, फर्स्ट ये आर्ग्यूमेंट है मोर अकाउंटेबल, चाइना का एग्जाम्पल को बहुत ब्रीफ में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं।
उसके बाद में आ जाता है तो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी इंप्रूव करती है डेमोक्रेसी। देन आफ्टर दैट ये देखिए डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स मेथड की डिफरेंसेस डील करने के लिए, और जो मैंने अंडरलाइन किया है वो आप पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, और ये फिफ्थ आर्ग्यूमेंट ये है। तो आई होप कि आपको ये काफी हद तक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, और आपके ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। आप देखिए व्हाट आर द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी, ऑल द पीपल डू नॉट रूल मेजोरिटी। तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात हो रही है इसमें, जिसको आपको समझना जरूरी है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में। और ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में ये जो इटैलिक्स में दिया हुआ है, ये जस्ट आपको समझने के लिए है, उसको लर्न नहीं करना है आपको, लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए ये जो भी मैंने हाईलाइट किया अंडरलाइन किया हुआ है, ये आप जरूर लर्न कर लीजिएगा। मतलब ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में क्वेश्चन जो है वो आपको किस फॉर्म में आ सकता है, ये देखिए वो मैं आपको बता रही हूँ कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की, हाउ कैन यू समराइज डेमोक्रेसी इन शॉर्ट अकॉर्डिंग टू द, बेस्ड ऑन द फीचर्स हाउ कैन यू समराइज डेमोक्रेसी, या डेमोक्रेसी मॉडर्न डेमोक्रेसीज में व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। इसको आप लास्ट टॉपिक को ऐसे दे दीजिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको ये लेसन वन से आपको बता दिया है ये, और आई होप कि इसी तरीके से आप प्लीज ये मेरी वीडियोस को देखिएगा, लेसन के एक्सप्लेनेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फर्दर मैं आपको ऐसी पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनके क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको बताती रहूंगी। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।